रहीम, डियर स्टूडेंट्स, चंद फिगर्स हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 16 है, उसमें ये फर्स्ट फिगर है, डायग्राम जो है देखें, ये किस है, स्केयर की, मरब्बा की शक्ल है। तो हमने इनका एरिया फाइंड करने हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ स्केयर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। अगर हम इस फिगर को देखें तो स्केयर क्या होता है, उसमें तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें हमारे पास एक साइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इस मीन कि इसकी तमाम साइड्स की जो वैल्यूज है ना, वो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्केयर, उसका फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ स्केयर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। मैंने जस्ट लेंथ को मैंने मेंशन किया है, साइड का वर्ड मैंने यूज नहीं किया। इस व्हाट डू यू मीन बाय एल, एल मल्टीप्लाई एल, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। और इसी फॉर्मूले को उर्दू में हम देखते हैं, मरब्बा का रकबा इक्वल टू है जिला की लंबाई मल्टीप्लाई जिला की लंबाई। अब हम देखते हैं कि जिला की लंबाई हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्केयर मरब्बा का रकबा इक्वल टू है, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ साइड वो 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड वो भी 4 सेंटीमीटर है, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसका भी स्केयर बन जाएगा, ये स्केयर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया इस फिगर का, एरिया क्या निकला हमारे पास, 16 स्केयर सेंटीमीटर। अब सेकंड फिगर है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, ये रेक्टेंगल की डायग्राम है, मुस्ततील की शक्ल है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल ऑपोजिट साइड्स। अगर इस साइड की मेजरमेंट जो है 6 सेंटीमीटर है तो इसकी 6 सेंटीमीटर होगी, अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है तो ये इसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं। मुस्ततील में मखालफ इजरा की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसमें 6 सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ है और ये 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मुस्ततील का रकबा लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब अपनी अपनी लैंग्वेज के तहत लिखना, अपने इंग्लिश मीडियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा। अब देखते हैं ये किसकी इक्वल है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आएगा मल्टीप्लाई, विड्थ इसकी ये है, ये 3 सेंटीमीटर, यानी इसको चौड़ाई कहते हैं, क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18 स्केयर सेंटीमीटर, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 स्केयर सेंटीमीटर। अब इसी का थर्ड, अब इसको बेटा क्या पैरेललग्राम कहा जाता है, एरिया ऑफ, ये पैरेललग्राम की साइन है, जिस साइन के जरिए पैरेललग्राम को मैथ के अंदर जाहिर किया जाता है, पैरेलल ऊपर GM लिखा है, ये पैरेललग्राम को जाहिर करता है। उर्दू में इसको कहते हैं मतवाजिल अजला का रकबा, मतवाजिल अजला का रकबा किसके इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, क्या आएगा, कायदा मल्टीप्लाई इर्तफा, इर्तफा अमूद को भी कहा जाता है। अब ये इसका बेस होगा, पैरेललग्राम की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये इसका बेस है, इसकी बेस है, बेस कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्या है कायदा, 8 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई, और ये इसकी हाइट है, इर्तफा इसको हाइट भी कहते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई होगा 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 स्केयर सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात यहां पर याद रखें कि जब हम किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करते हैं
उसका यूनिट किस में आता है, स्केयर में, उसका यूनिट। अगर उसके साथ मीटर लिखा हुआ है तो मीटर स्केयर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल की डायग्राम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, या हाइट भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड की जगह पे हाइट भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पे ये इसका बेस है, बेस कितना है 16, 1/2 बेस क्या है हमारे पास 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड, वो क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 1/2 16 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 116 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी कटिंग हो जाएगी 2 8 16 0, तो क्या आ गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 16 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज थी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पॉइंट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन।